रे मारा राम जी, आज अगर मैं ना होती ना, तुम्हारे छोरे को सरी फोड़ डालती। न जाने मारे छोरे को क्या होगा। हे ठाकुर जी, रक्षा करना मारे छोटू की। रे राम जी, संध्या जी के लिए एक रोमांटिक सरप्राइज तैयार। पर एक से काम नहीं चलेगा, दूसरा जी राम। जी अरे मारा राम जी, सुनो जी। okay. वो सूरज है ना, संध्या बिनानी के पास से फूल लेकर आए हुए। अरे लुगाई है उसकी, वो फूल दे दे, चाहे कोई भी गिफ्ट दे दे, थारे को क्या करने का। अरे मारा राम जी, के टावरों जैसी बात कर रहा हो जी। अजी अपने पता है ना कि संध्या बिनानी पेट सो है, और ऐसे में फूल लेना देना ठीक को नहीं हो जी। के? फूल का संध्या बिन्नी के पेट से होने से क्या मतलब है? कुछ भी। मारा राम जी, मारा एक कर्म फुटेड़ा है। एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली सियाणी। अब इस बावले ने क्या समझो। अजी बेलिया का 3 महीना ना बड़ा ही नाजुक हुआ टावर के वास्ते। ऐसे में फूल दे करके नजदीकी बनानी ठीक को नहीं हो जी। समझ गा ना संतोष, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू एकदम सही कह रही है। याद है ना जब थारे पेट में सूरज था, 3 महीने का भी नहीं हुआ था, मैं बाजार गया और थारे लिए पैजल लेके आया, गिफ्ट। मैं जा ही रहा था तो माँ ने रोक दिया, बोले खबरदार संतोष के पास मिलने जाएगा तो चल चल यहाँ से। तू बिल्कुल सही कह रही है संतोष। जी मारा राम जी, अगर सही कह रही हो ना तो फिर बैठिया क्यों हूँ। अरे जाओ जाकर रोको उसे। हम उसे भूल गया। कुछ काम था क्या जी? हाँ, तू ना ऐसा कर, बेटा रात बहुत हो चुकी है, तू जाके सो जा। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तू ना जा सके छोरा। जो क्यों? मतलब थारे बाबा साहब के पेट में दर्द है, दवाई दे दे इन्हें। और के? संतोष तू कैसी बात कर रही है, हमारे पेट में कटे दर्द है कुछ भी। सुन बेटा, हमारे पेट में दर्द हो गया, तू कुछ दवाई दे दे ना तू। बस अब मैं लेके आता हूँ दवाई। आप रुकिए ना। पापा, मम्मा मुझे होमवर्क करवाने वाली थी पर वो तो सो गए, क्या मैं उन्हें जगा दूं? ना छोरा ना, रे थकार के बिननी सोई है, नींद से जगानो ना, अच्छी बात को नहीं। मैं एक काम करूं, इमली बिननी ने बोलती हूँ वो थारे को पढ़ाई करवा देगी। ठीक है बाबा साहब, मैं आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हे मारा राम जी, अब आ याद आया हमारे को कि तो भूलने को स्वभाव हो गया। रे दवाई तो मैंने थारे बाबा साहब ने दे दी थी। दीदी क्यों जी, आपने दवाई पी थी, आपने याद को नहीं किया? हाँ संतोष सही बोल रही है बेटा, मैंने दवा दे दी उसने। तो फिर बात दरअसल ये है कि वो ना जी क्या करो
जा जा छोरा, तू जाकर आराम कर, चल। कुछ भी बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, बोल ले तो चल, तू बोले। बाप और पापा सबको क्या हो गया आज? संध्या जी, आपके लिए रोमांटिक धोखा तैयार है। आरसू के साथ ऐसे बिहेव करना जैसे कि वो कोई तुम्हारी ड्रीम गर्ल है, उससे सिर्फ बिहेव करना प्यार करने के लिए। छोटू, तुम्हारी तरफ से सब ठीक लगना चाहिए उसे। सुहागरात बनाने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हर पति की तरह तुम्हें पूरा ध्यान देना है आरजू पर। उसे जरा सा भी शक हो गया ना कि तुम उसे पसंद नहीं करते, तो ये 5 लाख कभी हमारे हाथ नहीं आएंगे। नूरी ने कहा था, आरजू सुहागरात सबसे खास होती है शादी में। हर शौहर चाहता है कि जब वो सामने जाए तो उसकी बेगम शर्म हया में सिकुड़ी हुई बैठी हो। तुम अपना मस्टंडी बना मत दिखा देना वहां पे। नजाकत दिखाना आरजू, नाजुक सी बनना। आरजू, तुम्हारे में सबसे खूबसूरत है तुम्हारी ये दो आंखें। इनका इस्तेमाल करना शौहर को लड्डू बनाने के लिए, तो बाकी खामियों पर नजर ही नहीं जाएगी उनकी। नूरी ने कहा था हमारी आंखें। माफ कीजिए, गलती से लग गया। It's okay. दिखा दिया ना अपना मुस्टंडी पना। छोटू, धीरे से उसका पल्लू सर से हटाना। आरजू, जैसे ही वो सर से पल्लू हटाए, अपनी सुल्फे बिखेर देना, बस तुम्हारी जुल्फों में मियां का दिल अटक ही जाएगा। माफ कीजिए, ज्यादा तो नहीं लग गया आपको? ठीक है। भाड़ में गई सहेलियों की सलाह, अब उनका बताया कुछ नहीं करना हमें। माफ कीजिए, आज सब कुछ सब उल्टा पुल्टा हो जा रहे हैं। आप एक सेकंड रुकिए, हम अभी सब ठीक कर देते हैं। हैदराबाद में ना
जब भी हम किसी की आंख फोड़ते थे दादी हमें इसी से ठीक करती थी। भूकंप आ गया संतोष। दादी वो तो कोई भारी सी चीज गिरने की आवाज आ रही छोटू। राम जी मारो छोटू, रे छोटू। मानती हूँ सर कि आरजू का इस तरह से कुत्ते को लेकर आना गैर कानूनी था, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये सिर्फ उसका एक बचपना है और इसके लिए मैंने जरूरी कागजी कार्रवाई भी कर दी और पेनल्टी भी भर दी है, इसलिए आप अब संदर्भ बात वो नहीं है कि उसने ये क्यों किया, बात ये है कि उसने ये कैसे किया। तुम तो जानती हो कि अटारी स्टेशन पर 12 कैमरे लगे हुए स्कैनिंग मशीन है, इनसे बच के ऐसे कुत्ते को साफ निकाल के बाहर ले जाना ये आम लड़की के बस की बात नहीं है। इसके लिए तो बहुत ट्रेन लोगों की जरूरत पड़ती है। देखो संदीप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन दुश्मन को मौके अक्सर हमारे भरोसे और लापरवाही की वजह से ही मिलते हैं। पाकिस्तान यात्रा के दौरान तुम्हारे लिए गुल मोहम्मद जैसे दुश्मन भी बन गए जो किसी भी वक्त कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए हमें आरजू पे नजर रखना बहुत जरूरी है। बात अपनी जगह सही है सर, लेकिन मैंने आरजू को जाना है, उसको देखा है, वो तो अपनी उम्र से भी छोटी है, बच्चों जैसी हरकतें करती है वो, मुझे नहीं लगता कि वो अपने अंदर कोई बात छिपा भी सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल। संध्या, मिशन महाबली में तुम भी तो सागरिका बनी थी। लोगों को भरोसा दिलाया था कि तुम भी एक सीधी सादी और मासूम हो। वो तो एक मिशन था, हो सकता है कि इसकी हरकतों के पीछे भी कोई वजह।
देखो संध्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे घर से बाहर निकाल दो या कुछ ऐसा सोचो। मुझे पता है कि वो तुम्हारे घर की बहू है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम उसकी हरकतों पर एक पुलिस ऑफिसर की नजर रखो। हो सकता है तुमने उसे जैसा समझा वो वैसी ही हो, सीधी सादी, मासूम, लेकिन उसके चेहरे के पीछे कोई और चेहरा भी तो हो सकता है जो सीधा ना हो, मासूम ना हो। बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए मेरे पसंद है। हेडक्वार्टर से न्यूज आई है कि वो एक आतंकवादी विरोधी दस्ते का गठन कर रहे हैं और इस स्पेशल टीम में तुम्हें भी जगह दी गई। ये तो बहुत बड़ी खबर है सर। अरे वाह, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस टीम में शामिल होंगी। थैंक यू सर। संध्या, तुमसे जो पाकिस्तान में दहशतगर्द टकराया था, ऐसा माना जा रहा है कि वो बॉर्डर के आसपास कुछ देश विरोधी साजिशों को अंजाम देने वाले, बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो, हमें ध्यान रखना हो। आप भरोसा रखिए सर, एक बार ये आतंकवादी विरोधी दस्ता बन जाने दीजिए, मैं सरहद पार से कंट्रोल किए जा रहे इस नेटवर्क की जड़ें खोद निकालूंगी। दुश्मन चाहे कितना ही खतरनाक और ताकतवर क्यों ना हो, हमारे खिलाफ जब जब सर उठाएगा कुचला जाएगा। ग्रेट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। जी जी, पहुंच गए आप लोग? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप पहुंचे, मैं बस आरजू को लेके आपके पास ही आ रहा हूं। जी IPS संध्या राठी का ये मोहर हमारा काम और भी आसान कर देगा। आरजू, वो मेरी रेशम दादी से बात हुई थी अभी। रेशम दादी और बाकी सब लोग ना पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, तो चलिए ना एक बार उनसे मिल लेते हैं। जी, बस 5 मिनट, हम अभी आए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।